हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मार्वल ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रॉय की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कंटेंट जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू के समय से, जहाँ पर डगन नाम का एक कमांडो अपने मिशन पर था और मिशन के दरमियान उसे कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है जो कि उसे जगा देती है। ये अपार्टमेंट था डमडम डगन का, वर्ल्ड वॉर टू के एक फॉर्मर हॉलिंग कमांडो का, जो कि अब शील्ड का एक एजेंट था। और वो जैसे ही जागता है तब वो अपने सामने देखता है हावर्ड द डक को, और हावर्ड द डक उसे बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि आर्मर उससे एक मदद चाहती है। और वो उसे एक कैसेट दिखाता है जिसमें वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान जंग हमले नहीं बल्कि नाजीज ज़ॉम्बीज़ ने जीती थी, जिस वजह से एक यूनिवर्स ज़ॉम्बीफाइड हो चुका था और उस यूनिवर्स से हमारे अर्थ और हमारे पूरे यूनिवर्स को खतरा था। और वो ये बताता है ये ऑपरेशन होने वाला है आर्मर के अंडर, और वो ये सब उसे दिखा रहा था आर्मर बेस अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर। और तभी डगन मिलता है बैटल स्टार से, जिसे देखते ही बैटल स्टार उससे कहता है ये सारी बातें बताकर मेरे पुराने दोस्त को कंफ्यूज मत करो। ये देखते ही डगन खुश हो जाता है कि इस ऑपरेशन में हमारे साथ बैटल स्टार है, जिस पर हावर्ड द डक कहता है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, जिस पर डगन कहता है ये भी मेरी तरह कैप्टन अमेरिका का फ्रेंड है वर्ल्ड वॉर टू से, जिस पर बैटल स्टार कहता है उसके कई सारे दोस्त थे हमारे अलावा और हमें इस मिशन पर काफी सारे दोस्तों की जरूरत पड़ सकती है। जिस पर हावर्ड द डक एक डोर ओपन करते हुए अपनी सारी टीम से मिलाता है। इसमें थे रेड रेवन, इटर्नल ब्रेन, गुर, ड्रैगन, ब्रिज बार्टन, फ्लिक्सो और ब्लाजिंग स्कल। क्योंकि वो सब पहले ही एक दूसरे को जानते थे इसलिए वो सभी एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं, और कुछ हद तक वो सारी बातें हाथापाई तक आ जाती है। लेकिन तभी उन सबको डगन डिस्टर्ब करते हुए कहता है हमारे पास यहाँ पर जीरो चांसेस है जीतने के, और जो दुश्मन हमारे सामने खड़ा होगा वो हमें पहले खाने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे हार्डवेयर है जो कि अच्छी तरह से वर्क करते हैं, लेकिन हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वेपन होगा हमारा एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे को साथ देना। और थोड़ी देर बाद सारी टीम एक शिप में बैठकर उस मल्टीवर्स की तरफ ट्रेवल करने लगती है, जहाँ पर हावर्ड द डक सबको एक मोटिवेशनल स्पीच सुनाता है। थोड़ी देर बाद वो सारे होते हैं अर्थ 12591 में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस ने किस तरह से तबाही मचाई हुई थी। यह शिप में खुर उस शिप का एयरलॉक खोलकर बाहर देख रहा था कि बाहर का नजारा कैसा है, जिस पर हावर्ड द डक उसे समझाता है कि ऐसा करना सेफ नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि वो लोग बड़े बड़े कैनन्स में बॉडी पार्ट्स फायर कर रहे हैं, और तभी कुछ ज़ॉम्बीज उनके शिप पर हमला करते हैं, जिस वजह से सभी सोल्जर्स पहले तो चौंक जाते हैं लेकिन बाद में एक एक करके वो सभी को मारने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुर को एक ज़ॉम्बी काट चुका था, और इस वजह से गुर भी उस ज़ॉम्बी को काट कर फाड़ देता है। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि गुर भी ज़ॉम्बी बनने वाला है तब वो उसे नीचे फेंक देते हैं और एक एक करके उस शिप से कूदने लगते हैं। वही दूसरी तरफ डगन अपने हाथ में एक हेवी फायर आर्म लेकर एक ज़ॉम्बी को मार रहा था, जिस पर हावर्ड उसे बताता है कि सारे बिग वेपन्स यहीं पर इस्तेमाल मत करो, शिप के बाहर भी हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। जिस पर डगन कहता है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इसी दौरान वो आधी शिप क्रैश कर देता है। और नीचे गिरने के बाद हावर्ड द डक उसे बताता है क्या कमाल की फायरिंग की, तुमने हम सबको नीचे गिरा दिया। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके टीम मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, और बाकी रहे से ज़ॉम्बीज जो कि उसी यूनिवर्स के थे वो सभी उनके सामने आकर उन्हें कहते हैं तुम्हारी प्रेजेंस हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, हम वो है जिन्हें लोग इन्वेडर्स कहते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करें इस वीडियो के बारे में और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास ऐसी ही कोई यूनिक आइडिया हो किसी और वीडियो के लिए तो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।